किसान भाइयों ने अपने खेत में कद्दू, तरोई, लौकी जैसी इत्यादि सब्जियों को बो रखा होगा। और इसी मौसम में एक सबसे खतरनाक कीड़ा पाया जाता है जो हमारे किसान भाइयों की इन फसलों पे छेद कर देता है, पत्तियां खा जाता है, फूल खा जाता है, तने यहाँ तक की जड़ तक भी खा जाता है। इसका नाम है पम्पकिन बीटल, यानी कि लाल बीटल भी इसको हम जानते हैं। इसकी तीन मुख्य प्रजाति होती हैं, येलो एंड ब्लैक पम्पकिन बीटल, ब्लैक पम्पकिन बीटल और रेड पम्पकिन बीटल। में से सबसे ज्यादा खतरनाक होता है रेड पम्पकिन बीटल, जो भारत में अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर हम बात करें इसके रोकथाम की, तो इसके रोकथाम के उपाय दो तरीके से हो सकते हैं। एक जैविक उपाय हो सकता है, दूसरा रासायनिक उपाय हो सकता है। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके दो स्वरूप सबसे खतरनाक होते हैं, एक होता है वैस और दूसरा लार्वा। वैस जो होता है वो फूल पत्तियों को खाता है और पेड़ों को ऊपर से खराब करना चालू कर देता है। वहीं पर लार्वा मिट्टी में छेद करके जमीन के अंदर घुस के जड़ों को खाने लग जाता है, जड़ों की सारी तंतुओं को खा के नष्ट कर देता है। इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि अगर हम आपको रासायनिक उपाय बताएं तो मिथॉल डाइमेशन 25 EC 2 ml प्रति लीटर में डाल के इसका छिड़काव करें। अगर हम आपको जैविक उपाय बताएं तो नीम ऑयल 5 ml प्रति लीटर में मिला के डालें। ये ध्यान रखें कि इनमें से कोई एक ही चीज का इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने के बाद ये कीट आपके कद्दू, तरोई इन सब के पेड़ों से दूर चले जाएंगे और आप इनसे अपना बचाव कर सकते हैं और अपनी आमदनी में दोगुना बढ़ोतरी कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं शुभम सिंह आपसे यहीं से इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद।